शहर में मोक्ष धामों को सुव्यवस्थित कर सुविधाजनक बनाने के लिए निरंतर सामाजिक संगठन प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में जवाहर नगर स्थित जय महाकाल मोक्षधाम सेवा समिति के अध्यक्ष देवीलाल गुर्जर व समिति के सदस्य पूर्व पार्षद जितेंद्र सिंह राजावत, खेमराज पनवार, रमेश गुर्जर आदि ने इस मोक्षधाम को स्वच्छ, हरा भरा तथा सुविधा युक्त बनाने के लिए कटिबद्ध है। इस मोक्षधाम का लोकवाणी ने अवलोकन किया तो लगा कि वाकई रमणीक सुखद स्थान पर आ गए हैं। देखा के ये बहुत हरियाली युक्त और खूब अच्छा डेवलपमेंट है। जबकि बरसों पहले मैंने यहाँ देखा था तो पूरा बंजर और कोई व्यवस्था नहीं, आज ये सभी व्यवस्था देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में किनका प्रयास और कैसे ये डेवलपमेंट किया? जवाहर नगर मोक्ष धाम के डेवलपमेंट के संबंध में सभी लोगों का सामूहिक प्रयास रहा। विगत कुछ दिनों पूर्व हमारे साथी भाई देवीलाल जी गुर्जर ने इस मोक्ष धाम का जीर्णोद्वार करने का एक सामूहिक प्रयास किया, जिसमें हम लोगों सबको जोड़ा गया। इसमें जितेंद्र सिंह राजावत, भूतपूर्व पार्षद, रमेश जी गुर्जर, जिनको हम पर्यावरण प्रेमी कह सकते हैं, उन्हीं की बदौलत से ये हरा भरा पेड़ पौधा है जो आज भी देख रेख करते हैं। साथ ही हमारे यहाँ के क्षेत्र के विकास समिति के लोग, अन्य कई लोग, जिसमें नगर परिषद और नगर विकास न्यास का भी पूर्ण सहयोग मिल रहा है। इसमें हमारे बाबूलाल जी जाजू, लक्ष्मीनारायण डाक, ओम जी नारायण और अन्य जनप्रतिनिधियों के बराबर समय समय सहयोग मिलता रहा और आगे भी ऐसा हमारा प्रयास है कि मिलता रहेगा। जिसमें प्रमुख रूप से दो तीन कारण सामने आए। जवाहर नगर मोक्ष धाम का जो मुख्य गेट है, उस गेट के पास में हनुमान जी का मंदिर है, वहीं से हमारे एक RACB का एक रोड खुलवाने का प्रस्ताव चल रहा है। इस मार्ग से खुलने से बापू नगर के लोगों को शमशान घाट में आने में बहुत ही बढ़िया सुविधा हो जाएगी। इसके लिए हमारा प्रयास जारी है और हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोगों के सहयोग से इस मोक्ष धाम को 2 साल के अंदर ऐसा मोक्ष धाम बना दें जैसा पंचमुखी है, उससे भी अच्छा मोक्ष धाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी आशा के साथ धन्यवाद। मनुष्य को शांति व सुखदायी बिछौना मिल जाए तो गहरी नींद आती है और जागने पर नई ऊर्जा का संचार होता है। इसी प्रकार अगर चिर निंद्रा में सोने वाले मनुष्य के अंतिम संस्कार में अगर रमणीक व सुविधाजनक मोक्षधाम हो तो उनके परिजन व मित्र बंधुओं को सुखद एहसास होता है और दुख सहन करने की शक्ति मिलती है। ऐसा ही मोक्षधाम बन रहा है जवाहर नगर भीलवाड़ा में, जिसकी देखरेख कर रहे हैं समिति के अध्यक्ष देवीलाल गुर्जर, खेमराज पनवा, पूर्व पार्षद जितेंद्र राजावत आदि की टीम। अब देखना यह है कि आने वाले समय में ये कितना रमणीक मोक्षधाम बनता है और साथ ही ये लोग बच्चों के लिए एक पार्क भी बना रहे हैं जहां बच्चों के मनोरंजन के साधन भी होंगे। मुरली मनोहर सेन, लोकवाणी, भीलवाड़ा।